पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान की 8 चौकियों समेत 7 सैनिकों को किया ढेर, सीमा पर युद्ध जैसे हालात। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां वोटरों को कर रही है लुभाने की कोशिश, 1 अरब लोगों को मुफ्त इलाज देने की तैयारी में भाजपा, राहुल गांधी का केंद्र में 22 लाख पदों को भरने का वादा। जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर पर चीन ने बदला सुर, कहा प्रतिबंध की दिशा में सकारात्मक प्रगति, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। आयकर विभाग ने कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी के दिल्ली का फ्लैट किया कुर्क, करोड़ों की टैक्स चोरी का है मामला। फेसबुक ने कांग्रेस के अकाउंट और पेज पर उठाया बड़ा कदम, 687 पेज और अकाउंट हटाए, स्पैम फैलाने का है आरोप। मुलायम सिंह यादव ने दाखिल किया नामांकन पत्र, ना कार है ना सोना, 5 साल में कमाए 1,66,00,000, मैनपुरी से 4 बार रह चुके हैं सांसद। हिंदू आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का किया घेराव, कहा कांग्रेस पार्टी ने देश के करोड़ों हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलग हो, पीएम मोदी ने कांग्रेस से मांगा जवाब। सेंसेक्स की अब तक की सबसे बड़ी उछाल, पहली बार पहुंचा 39,000 के पार, निफ्टी भी 11,700 के रिकॉर्ड स्तर पर। मियामी टूर्नामेंट में फेडरर ने जीता खिताब, जॉन इस्नर को फाइनल में हराकर सुधारी रैंकिंग, विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचे फेडरर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। जय हिंद।